लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कैंप कार्यालय में आम जन से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम था और वो अब पहुंचे हैं वहां पर, ये कैंप जहां पर मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की, जो कैंप कार्यालय में आम जन से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और आम जन की जो भीड़ यहाँ नजर आ रही है, जो मुलाकात करने पहुंचे हैं आम लोग, उन सभी की आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से एक कनेक्शन है, एक संपर्क है, एक रिश्ता है लोगों के साथ ओम बिरला का, कि जब भी वो इस तरह के कैंप आयोजित करते हैं या मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम होता है आम लोगों से, तो लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और यहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं अपनी अपनी समस्याएं लेके। तमाम समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को लेकर ये लोग पहुँचे हुए हैं। अब जो समस्याएं हैं उनको लेकर ओम बिरला अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि कैसे इसका हल हो सकता है, क्या कुछ इसमें सही कर सकते हैं। साथ ही साथ आम लोगों को भी वहीं की वहीं उसका समाधान भी दे रहे हैं। तो कई लोग पहुंचे हुए हैं यहां पर अपनी समस्याओं के समाधान लेने के लिए, कुछ लोग पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत करने के लिए, कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे मिलने के लिए। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ ये आज की वानगी नहीं है, अगर आप किसी भी दिन देखेंगे जब इस तरह के कैंप लगते रहते हैं या आमजन से मुलाकात का कार्यक्रम ओम बिरला का बनता है, तब इसी तरह की भीड़ नजर आती है, इसी तरह लोग नजर आते हैं, क्योंकि एक तरह की जनसुनवाई जो होती है वो ओम बिरला करते हुए नजर आते हैं। और आज ये अपने कार्यालय में जो जनसुनवाई कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और सहयोगी भंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, तो ओम बिरला आज ये सुनवाई कर रहे हैं कैंप कार्यालय में, आमजन से मुलाकात हो रही है, तमाम समस्याओं के समाधान भी लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल, सीधी तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय शक्तिनगर की तस्वीरें हैं और अपने संसदीय क्षेत्र के करीब करीब एक हफ्ते के प्रवास पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार यहाँ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कई संस्थाएं और संगठन, कई तरह के प्रतिनिधिमंडल उनसे मिले हैं। आज एमपी के एक मंत्री भी सुबह सवेरे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए पहुंचे थे। और इस वक्त कई व्यापारिक संगठन, कई संस्थाएं जो है वो भी इस वक्त ओम बिरला से मुलाकात कर रही है। और कई तरह के ज्ञापन, कई तरह के परिवाद भी लगातार सवेरे के बाद से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपे जा रहे हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के, शहर के अलावा दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से भी कई लोग व्यक्तिगत रूप से भी और कई लोग प्रतिनिधिमंडल के रूप में भी लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोटा दक्षिण से बीजेपी के विधायक संदीप शर्मा भी यहां मौजूद हैं और उनके साथ एक व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है, जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। और इसके अलावा जनरल मर्चेंट एसोसिएशन कोटा का जो एक डेलीगेशन है वो भी इस वक्त ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। और हाल में जिस तरह से रेडीमेड पर जीएसटी की दरें प्रस्तावित है बढ़नी, कल से ही 5 से बढ़ाकर के 12% वो जीएसटी की दर होनी है, उसके विरोध में भी जो कई संगठन है उन्होंने अपने ज्ञापन और मांग पत्र लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपे। और साथ में चूंकि साल बदलने जा रहा है, आज साल का आखिरी दिन है और कल से 2022 शुरू हो जाएगा, तो नए साल को लेकर भी लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बधाई देने वाले जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं, उनको बधाई देने वालों का तांता भी यहां पर लगा हुआ है। चलिए, तो शुभकामनाएं देने भी आए हैं, लोग बधाई देने भी आए हैं, साथ ही साथ अपनी समस्याएं लेके भी पहुंचे हुए हैं।